खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े, और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कि खट्टर जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे सरकार का किसानों के साथ टकराव हो और इससे केंद्रीय नेतृत्व बदनाम हो। और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े, और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या इतने बड़े आरोप के बाद आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कोई डिनायल सुना, कोई स्पष्टीकरण सुना? क्या उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि सत्यपाल मलिक जी झूठा आरोप लगा रहे हैं? खट्टर का छोड़िए, क्या आपने बीजेपी के किसी जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हुए किसी व्यक्ति का ऐसा कोई डिनायल सुना? क्या पूरी की पूरी बीजेपी का और मनोहर लाल खट्टर का इतने बड़े आरोप के ऊपर चुप्पी साध लेना ये मौन स्वीकृति नहीं है सत्यपाल मलिक जी के आरोप के ऊपर? आज करनाल के जो हालात हैं, आज पूरे हरियाणा के जो हालात हैं, 5 जिलों में इंटरनेट बंद है, 40 कंपनियां तैनात की गई हैं करनाल के अंदर, तनाव की स्थिति बनी हुई है, किसान सचिवालय के बाहर हजारों हजार की तादाद में किसान सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की जिद की वजह से। ऐसा लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में बैठे आराम फरमा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हालात क्या हैं, हरियाणा में क्या हो सकता है। क्या मांग है किसानों की? एक बड़ी ही स्पष्ट और जायज मांग है, कानूनी मांग है, संवैधानिक मांग है। 28 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से किसान मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, कई किसान घायल होते हैं, किसी की नाक टूटती है और उसकी आंखों की रोशनी भी 50% चली जाती है और एक किसान की बाद में मौत हो जाती है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं वो लाठी चार्ज करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, लाठी चार्ज का आदेश देने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, और खास तौर पर कार्रवाई हो उस एसडीएम के खिलाफ जिसका वीडियो सामने आया और वो सीधे तौर पर गैर कानूनी आदेश पुलिस वालों को दे रहा है, कह रहा है कि किसानों के सिर फोड़ दो, ये एक तरह से जानलेवा हमला करने के आदेश हैं। क्या कानून की किसी भी किताब में किसी भी अधिकारी को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो जनता के ऊपर इस तरह से हमला करने का आदेश दे दे? किसी बीजेपी के नेता तक ने इस आदेश को जायज नहीं ठहराया है, बावजूद इसके मनोहर लाल खट्टर उस अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को खुद अपने स्तर के ऊपर एक सख्त एक्शन लेना चाहिए था। किसानों को तो डिमांड करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ऐसा एक्शन लेना चाहिए था जिससे इस तरह के अधिकारी का दिमाग ठिकाने पर आए, उसे पता चले कि ये जो अधिकारी अपने ठाट बाट सैलरी भत्ते गाड़ी बंगले ये जो तमाम चीजें भोगते हैं ये उसी जनता के पैसों से, उसी जनता के टैक्स के पैसों से आते हैं जिसका सिर फोड़ने के आदेश श्रीमान अधिकारी दे रहे थे। जब बार बार हमारे सामने ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं तो क्यों ना हम सत्यपाल मलिक जी के जो आरोप हैं उनको सही माने? और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े, और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि हम अपने वीडियो ब्लॉग्स में ज्यादातर राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में राजनीतिक टिप्पणी करने का मन है क्योंकि जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, पिछले दिनों आपने खूब चर्चाएं सुनी होंगी, मीडिया के जरिए सुनी होंगी, राजनीतिक गलियारों में सुनी होंगी कि भूपेंद्र यादव वो अपनी गतिविधियां हरियाणा में बढ़ा रहे हैं। ये भी चर्चाएं चल रही थी कि भूपेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है हरियाणा का और मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी हो सकती है। जब से वो खबरें आनी शुरू हुई है तब से आप मनोहर लाल खट्टर का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उसमें एक परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे मनोहर लाल खट्टर के व्यवहार में एक बेफिक्री, ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो ये सब कुछ छोड़ के जाना ही है, इसलिए वो कुछ नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो हालात को बेकाबू छोड़ना चाहते हैं और एक तरह से वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि जब वो छोड़कर जाए तो आने वाला अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो उसके लिए बहुत मुश्किल हालात हरियाणा में पैदा हो जाएं। अगर ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी,
तो संभालिए हालात को, आपके अपने गृह जिले में जहां से आप जीतकर आए हैं, विधायक बने हैं फिर मुख्यमंत्री बने हैं, वहां पर किसान बैठे हुए हैं। लेकिन अगर खट्टर साहब आपको लगता है कि आप सही हैं, किसान गलत हैं, तो आप एक काम कीजिए, एक लिखित आदेश जारी कीजिए। आदेश क्या जारी कीजिए, एक कानून बना दीजिए, क्योंकि बहुमत है आपके पास, एक कानून बना दीजिए और उसमें लिखिए कि हरियाणा में किसी भी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी प्रदर्शनकारी का सिर फोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। और ये अधिकार सिर्फ आप अधिकारियों को मत दीजिए, बल्कि तमाम पुलिस वालों को, एसपी डीएसपी से लेकर हवलदार तक को ये अधिकार दे दीजिए कि वो किसी का भी सिर फोड़ सकता है, बेशक सिर पर चोट लगने से किसी की मौत हो जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर किसानों की मांग जायज है, तुरंत आपको इसे मानते हुए उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इस लाठीचार्ज के पीछे कोई और भी है, बेशक आप खुद क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए।